नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। तो सभी जानते हैं इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कतर फीफा वर्ल्ड कप में धार्मिक छिड़काव करना चाहता है। शायद इसलिए ही कतर ने भड़काऊ भाषण और आतंक से जुड़ी गतिविधियों के आरोपी जाकिर नाइक को मजहबी तकरीर देने के लिए न्योता दिया। रिपोर्ट के जरिए समझिए क्या है पूरा मामला। इस्लामिक देश कतर की मेजबानी में खेला जा रहा फीफा वर्ल्ड कप 2022 दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। वहीं भारत इस खेल में शामिल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इन दिनों भारत में कतर में हुए एक वाकये की हर ओर चर्चा हो रही है और इसकी निंदा भी हो रही है, और इसका कारण खुद कतर ही है, क्योंकि भगोड़े जाकिर नाइक को कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मजहबी तकरीर करने के लिए बुलाया है, जिसके बाद भारत और कतर के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है और भारत ने कतर के इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा की। अब आपको भगोड़े जाकिर नाइक का इतिहास बताते हैं और बताते हैं कि आखिर भारत सरकार ने उस पर बैन क्यों लगाया। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर आतंकी गतिविधियों में शामिल जाकिर नाइक करीब 32 साल पहले चर्चा में आया था। आपको बता दें, जाकिर नाइक भारत में 1990 के दशक से अपने धार्मिक उपदेशों के लिए चर्चा में आए। साल 2000 की शुरुआत में उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें जाकिर नाइक ने कई आपत्तिजनक भाषण दिए। इसके बाद जाकिर पर अपने अनुयायियों को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काने के आरोप लगे। 2016 में जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2017 से जाकिर नाइक एक भगोड़े के रूप में मलेशिया में जीवन गुजार रहा है। जाकिर नाइक मलेशिया का स्थायी निवासी है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 2020 से मलेशिया के अंदर उसके भाषण देने पर पूरी तरह से पाबंदी है। जुलाई 2016 में देश छोड़कर भागने के एक साल बाद भारत ने जाकिर नाइक का पासपोर्ट रद्द कर दिया। तब जाकिर ने दावा किया था कि वो एक NRI था। 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विस्फोट हुए थे। इस घटना के बाद जो आतंकी गिरफ्तार हुए, उन्होंने खुद को जाकिर के भाषणों से प्रभावित बताया। 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए विस्फोट में करीब 22 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। बता दें कि कतर के ही एक सरकारी स्पोर्ट चैनल अलकास के टेलीविजन प्रेजेंटर शेख जाकिर नाइक वर्ल्ड कप के दौरान कतर में हैं और पूरे विश्व कप के बीच कई धार्मिक व्याख्यान देंगे। इसके बाद से ही ये खबरें सामने आई कि कतर ने ही जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप के लिए बुलाया था। वहीं जब मामले ने तूल पकड़ा तो कतर ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि उसके तरफ से जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए कोई आधिकारिक आमंत्रण नहीं दिया गया था। कतर ने साफ कहा है कि उसके और भारत के बीच रिश्तों में दरार डालने के लिए दूसरे देशों के द्वारा जानबूझकर ऐसी गलत खबरें चलाई गई। लेकिन कतर की सफाई पर मामला थमा नहीं और भारत में भी राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई। इसके साथ ही अब भारत में फीफा वर्ल्ड कप को बायकॉट करने की मुहिम छेड़ दी गई। बीजेपी प्रवक्ता ने केंद्र सरकार, भारतीय फुटबॉल संघ, कतर में रह रहे भारतीयों और फीफा वर्ल्ड कप के लिए अरब देश की यात्रा की योजना बना रहे फुटबॉल प्रेमियों से इस खेल स्पर्धा का बहिष्कार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप एक वैश्विक स्पर्धा है और दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग इस शानदार खेल स्पर्धा का लुत्फ उठाते हैं, जबकि करोड़ों दर्शक टेलीविजन और इंटरनेट पर मैच देखते हैं, और ये भारत के खिलाफ साजिश है, इसका बहिष्कार करना जरूरी है। इसके साथ ही रोड्रिक्स ने दावा किया कि ऐसे समय में जब दुनिया वैश्विक आतंकवाद से लड़ रही है, तब नाइक को एक मंच देना एक आतंकवादी को कट्टरपंथ और नफरत फैलाने के लिए एक मंच देने के समान है। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि आतंकवाद से पीड़ित अन्य देशों के लोगों को भी आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए फीफा वर्ल्ड कप का बहिष्कार करना चाहिए।
बताते चले कि जाकिर नाइक पर भारत में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और भारत में वंचित है। उस पर आरोप है कि उसके भाषण विवादित थे जो पीस टीवी पर दिखाए जाते थे। उसके एनजीओ आईआरएफ का दफ्तर मुंबई के डोंगरी में था जिस पर बैन लगा दिया गया था। न्यूज वॉच इंडिया के लिए नेहा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जहां धर्मों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के लिए ब्रिटेन और कनाडा ने नाइक पर प्रतिबंध लगा रखा है, वहीं नाइक मलेशिया के 16 प्रतिबंधित इस्लामी विद्वानों में शामिल है। ऐसे में जाकिर नाइक का कतर में जाना वाकई कई बड़े सवाल खड़े करता है।